पीएम नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के विरोध या किसी तरह के उपद्रव की आशंका को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन की ओर से 89 लोगों को चिन्हित किया गया है। ये विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों व अन्य संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। देश में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जुमले हैं वैक्सीन नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो गोवा में प्रत्येक परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटों में 38,792 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 624 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या 3,09,45,048 हो गई है। वहीं मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,11,445 हो गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को नाथद्वारा जाएंगे। राज्यपाल मिश्र संत मुरारी बापू की रामकथा में शिरकत करेंगे। रामकथा के बाद वे श्रीनाथ जी उत्थापन झांकी के दर्शन करेंगे। दर्शन उपरांत राज्यपाल जयपुर के लिए वापस लौट आएंगे। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून का राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने समर्थन किया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो का जमाना चला गया है। बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस पीएस भाटी की कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होनी थी। सलमान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत ने निजी कारणों के चलते सुनवाई को टालने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए सुनवाई को टाल दिया है। प्रदेश के 22 जिलों के 50 सरपंच, 8 उपसरपंच और 71 वार्ड पंचों के पद पर चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई है। आयोग ने इन 22 जिलों में कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव सरपंच के चुनाव ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे, जबकि वार्ड पंचों के चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। दिल्ली NCR में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज़ हवाएं भी चली। इसके बाद तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। तेज़ बारिश के बाद दिल्ली NCR वासियों को उमस व गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, गाज़ियाबाद समेत नोएडा के अन्य इलाकों में भी बेहद तेज़ हवाएं चलने व बारिश से राहगीरों को परेशानी हुई।